हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग वॉयस का अगला वीडियो अर्थात चौथा वीडियो में अध्ययन करेंगे। अब हमारा आता है चौथा वीडियो में पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं एक्टिव वॉयस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है। लेकिन जब पैसिव वॉयस बनाया जाएगा तो इज एम आर हेल्पिंग के स्थान पर इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग रहेगा और जो जिस क्रिया में आईएनजी जुड़ा था वह मुख्य क्रिया होती है, मेन वर्ब होता है, उस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फिर यह जानेंगे कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आई एम बींग का प्रयोग करेंगे जब पैसिव वॉयस बनाएंगे और वी, दे, यू एवं बहुवचन संज्ञाओं के साथ हेल्पिंग वर्ब आर बींग का प्रयोग करेंगे तथा ही, सी, इट एवं एक वचन कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब इज बींग का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब का थर्ड पार लगाएंगे। सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉयस का पहचान। यहां हम लिखते हैं पहचान में पहचान, यहां आपका जो है फार्मूला है पहचान के लिए एक्टिव का, एक्टिव में होगा हमारा फार्मूला सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद से होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, में आईएनजी, उसके बाद से होता है आपका ऑब्जेक्ट। ये हमारा जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव जिसे सेंटेंस कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉयस से पहचान होता है सब्जेक्ट होगा, इज एम आर होगा और फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी होगा और अंत में ऑब्जेक्ट होगा। जैसा कि हम पैसिव वॉयस में जानते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होता है उसकी टेबल भी बना दी है। पैसिव वॉयस में जो है हेल्पिंग वर्ब की टेबल क्या होती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, तो जो इसका ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉयस में इसका सब्जेक्ट बना देते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब यही नहीं रहती, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर, जो सब्जेक्ट के अनुसार टेबल हो इज एम आर में से कोई एक लिख देते हैं। उसके बाद से आता है बीइंग, हेल्पिंग वर्ब आती है बीइंग सभी के साथ, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, और उसके बाद से जो मेन वर्ब दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म आई एन जी लगा है तो उसका वर्ब का हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा देंगे और यहाँ पर बाई जो लगा करके प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा पैसिव वॉयस का ये फार्मूला हो गया। इस तरह से एग्जांपल देखेंगे एक्टिव वॉयस का। सबसे पहले एक वाक्य लेंगे सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, यहां आया सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का है। अब इसका जो है हम पैसिव वॉयस बनाएंगे तो यहां लिखेंगे पैसिव वॉयस और ये सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट होगा, इस ऑब्जेक्ट को यहां ला करके सब्जेक्ट बना लेंगे तो ए सॉन्ग हो जाएगा। सॉन्ग के बाद पुनः हमारा यह एक वचन है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी इज लगेगी जो कि इसके अनुसार यह था ही, अब यहाँ जैसा सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार इज है, ये ना समझे कि यही वाला यहाँ आ गया, इस सब्जेक्ट जो बना है उसके अनुसार इज आया है। उसके साथ यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब के टेबल में बीइंग दिया कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो उसमें बीइंग हेल्पिंग वर्ब लगती है और उसके बाद से जो है सिंगिंग जो मेन वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो सिंगिंग का फर्स्ट फॉर्म होता है सिंग, तो सिंग का सेकंड फॉर्म सैंग, उसके बाद से आता है
सिन सेन सम आ जाएगा, तो सम हो जाएगा वाई। और इसका फर्स्ट टेबल में देखे होंगे सी का जो है ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाता है, तो यहां वाई हर। अगला है एक्टिव है, जैसे मान लीजिए आ गया आई एम रीडिंग मेनी बुक्स, आई एम रीडिंग मेनी बुक्स, तो यहां पर सब्जेक्ट हमारा मेनी बुक्स है, ऑब्जेक्ट है, इसे मेनी बुक को यहां पर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट बना लेंगे, तो यहां लिखेंगे पैसिव होगा और सब्जेक्ट बनाएंगे मेनी बुक्स। अब यहां पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर में हो गया, तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब एम के स्थान पर यहां पर हम लगाएंगे आर, जैसा सब्जेक्ट होगा जिस नंबर में पर्सन के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार यहां पर नंबर के अनुसार इसे जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो यहां प्लूरल नंबर है तो यहां पर आर, यहां पर प्लूरल सिंगुलर नंबर था तो यहां पर इज था, तो यहां पर आर। अब उसके बाद से जो है बीइंग, टेबल नंबर दो में हमने कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग का प्रयोग किया है, इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग, और यहां पर हमारा जो है रीडिंग है, तो रीडिंग का फर्स्ट फॉर्म रीड होता है और इसका थर्ड फॉर्म जो है रीड रेड रेड, तो रेड हो जाएगा, स्पेलिंग वही रहेगा आर ई ए डी, स्पेलिंग वही, पढ़ने का तरीका थोड़ा भिन्न होता है। और आई फर्स्ट टेबल में आई का फर्स्ट पर्सन है, आई आई का जो देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो बाई यहां लिख देंगे मी। अब समझ गए, ये हमारा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का निगेटिव, निगेटिव में क्या अंतर होता है थोड़ा सा अंतर देखेंगे, यहां पर फार्मूला में थोड़ा सा चेंज होगा, देखेंगे। दूसरा आपका है निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस फार्मूला हो जाएगा, निगेटिव में जो है एक्टिव होगा इज एम आ, निगेटिव है तो यहां पर नॉट हो जाएगा, फिर वैसे ही यहां पर इज एम आर, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, तीनों में से कोई एक आप प्लस जो है नॉट निगेटिव के लिए, इस तरह से ध्यान है, जब नॉट किया इलेमेंट के बाद तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, टेंस नहीं पहचान भी रहे तो हम सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर लगाएंगे, और नॉट के बाद तब बीइंग लगाएंगे, यानी इज एम आर के बाद ही नॉट आएगा, यानी इज नॉट बीइंग आई एम नॉट बीइंग आर नॉट बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके बाई लगा करके ऑब्जेक्ट बना देंगे। एक एग्जांपल देखेंगे, यहां पर होगा दे आर नॉट प्लेइंग दी गेम, दे आर नॉट प्लेइंग दी गेम, ये नेगेटिव सेंटेंस है, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस, जैसे ही बनाने जाएंगे तो द गेम को यहां पर पैसिव वॉइस में उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो यहां लिखेंगे द गेम, अब दे के अंदर यहां आर था लेकिन द गेम एक बचन है सिंगुलर नंबर है, तो यहां पर लगाएंगे इज, उसके बाद से पुनः नॉट अ प्लेइंग के पहले जो है हम बीइंग का प्रयोग बताएं बीइंग, अब उसके बाद से प्ले का थर्ड फॉर्म जो होता है प्ले, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म वही होता है बाई, और दे का फर्स्ट टेबल में ऑब्जेक्टिव केस हमने लिखवाया था देम, यहां लिख देंगे देम हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेंगे, वी आर नॉट सेलिंग फ्रूट्स, चाहे यहां पर ले लेंगे इसमें सी ले लेंगे ही इज
थोड़ा सा अंतर कर लीजिए, आर का यहाँ बनाए हुए थे इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज लिए हैं, सिंगुलर नंबर से प्रयोग कर रहे हैं, थर्ड पर्सन, ही इज नॉट सेलिंग फूड, यानी वह जो है फल नहीं बेच रहा है, तो फ्रूट से हम बनाएंगे, फ्रूट चूंकि प्लूरल नंबर है तो यहाँ पर फ्रूट्स लगाएंगे, इसलिए लगाया कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है इज आया था तो हम यहाँ पर फ्रूट्स लाए तो इसके अनुसार नंबर पर्सन और जेंडर के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है, तो यहाँ पर फ्रूट्स के अनुसार जो है हम आर लगाएंगे, और आर के बाद तुरंत जो है नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आया है तो इस नॉट का प्रयोग करेंगे, और बीन देखेंगे फ्रूट्स आर नॉट बीन सेल का थर्ड पार्ट होगा सोल्ड, सोल्ड हो गया, और इसका पहले टेबल में हमने ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम बनाया है तो यहां हो जाएगा बाई हिम। इसके बाद से आता है निगेटिव के बाद आता है आपका इंट्रोगेटिव, या दोनों साथ ही साथ पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, दोनों का एक साथ अध्ययन कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, इसी में यानी इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, तो ये दो प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दो प्रकार के होते हैं, इसे देख लेंगे एग्जांपल जो है नोट करना हो नोट कर लेंगे, यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के, सिंगुलर इंट्रोगेटिव और यानी सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव को एस या नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं, सिंगुलर सिंगल इंट्रोगेटिव या एस आर नो टाइप, एस आर नो एंसर टाइप क्वेश्चन होता है, एस या नो टाइप क्वेश्चन से हम लिख रहे हैं QUESTIONS, एस या नो एंसर टाइप क्वेश्चन में आपका जो है उत्तर हम एस या नो में देते हैं, अर्थात इस प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों में उत्तर प्रश्न में ही छिपा रहता है जिसका जवाब हम एस या नो में देते हैं, हाँ या नहीं प्रकार का, अर्थात ऐसे वाक्य जो है हेल्पिंग वर्ब से बने होते हैं, सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब रखने से जो है एस या नो टाइप क्वेश्चन या सिंगल इंट्रोगेटिव बनते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब आपका एक्जिलरी पढ़े होंगे, एक्जिलरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी इजिलरी और मॉडल इजिलरी, तो प्राइमरी इजिलरी भी जो है तीन प्रकार की होती है, बी फार, डू फार्म और हैव फार, तो बी फार्म में इज एम आर वाज वेयर आता है, डू फार्म में डू डज डिड आता है, और हैव फार्म में हैज हैड आता है, तो ये इज एम आर वाज वेयर हैज हैव है डू डज डिड इसको एक सब्जेक्ट के आगे रख देते हैं तो आपका ये एस या नो टाइप इंट्रोगेटिव बन जाते हैं। डब्ल्यू एच टाइप में क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं डब्ल्यू एच से बने होते हैं, जैसे व्हाट, व्हाट में डब्ल्यू एच होता है, व्हेन डब्ल्यू एच होता है, व्हाई डब्ल्यू एच होता है, हु डब्ल्यू एच होता है, तो ऐसे अब कुछ एच से बने होते हैं, हाउ है, हाउ लॉन्ग है, हाउ मेनी, हाउ मच, तो इसे डब्ल्यू एच टाइप कहते हैं, तो दो प्रकार के जो है प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं एस या नो टाइप, तो इसकी पहचान जो है पहले दिन पढ़ेंगे, पहचान सबसे पहले एक्टिव, इसका भी एक्टिव लिख ले रहे हैं, एक्टिव में पहचान होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपका यहाँ पर इज एम आर वाज वेयर विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट हैव इत्यादि जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं, तो यहाँ पर जैसे हमने ले लिया इज एम आर वाज वेयर, प्रेजेंट टेंस में इज एम आर आएगा और पुनः यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट ले लेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आई एन जी जोड़ लेते हैं, आई एन जी है यहाँ पर, अब उसके बाद से ऑब्जेक्ट है, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलते हैं, तो इस तरह से हमारा ये जो है पहचान है एक्टिव का इंट्रोगेटिव में। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे,
तो यहां पैसिव आए पैसिव आए इसका फॉर्मूला इन तीनों में से कोई एक ले लेते हैं, तो तीनों में से सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। तो तीनों में से कोई एक लेंगे इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, ये जब भी लेते हैं तो ये कैपिटल लेटर में ही ले लेते हैं, तो यहाँ कैपिटल लेटर लिख रहे हैं, भूल ना करें क्योंकि वाक का शुरुआत करते हैं। इज एम आर में से कोई एक, उसके बाद से जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बना लेंगे, यदि वाक्य में नॉट आया है एक्टिव में तो यहां नॉट का प्रयोग करेंगे, तब बीइंग लगाएंगे और जिस वर्ब में आईएनजी लगा हुआ होगा उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल लेंगे, उसके बाद से बाई लगाएंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। ये हमारा फार्मूला हो गया इज एम आर में से कोई एक, उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद से नॉट दिया तो नॉट, उसके बाद से बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई मिलेगा उसका वर्ब को थर्ड फॉर्म में बाई ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल देखेंगे आई एम राइटिंग एन एस्से, यहां पर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो एम आई राइटिंग एन एस्से, यहां पर क्वेश्चन मार्क, इसका हमको पैसिव वॉइस बनाना है तो कैसे बनाएंगे फार्मूला में देख लेंगे उसके अनुसार बनाएंगे। यहां पर देखेंगे एन एस्से इसका ऑब्जेक्ट है इस वाक्य का एक्टिव का, तो एन एस्से के अनुसार इसमें इज एम आर में से इसके अनुसार ये सिंगुलर नंबर है तो इज का प्रयोग करेंगे, ये फर्स्ट पर्सन आई के साथ एम था लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन के रूप में एन एस्से के अनुसार यहाँ पर हम इज का चयन करेंगे, उसके बाद से लिखेंगे एन एस्से बीइंग का प्रयोग नहीं है, एन एस्से हो गया, नॉट नहीं आया तो नॉट नहीं ले आएंगे, फिर यहां पर बीइंग का प्रयोग करेंगे और यहां पर राइटिंग है तो इसका थर्ड फॉर्म जो होता है रिटेन होता है डब्ल्यू आर आई डबल टी ई एन रिटेन बाई और इधर आई उधर जाएगा तो मी हो जाएगा और यहां पर क्वेश्चन वर्ड्स क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब आता है एक और इसका निगेटिव पढ़ लेते हैं, आर दे नॉट प्लेइंग ए मैच, क्वेश्चन वर्ड यहां पर यहां देखेंगे दूसरा एग्जांपल है एक्टिव आर दे नॉट प्लेइंग ए मैच, तो इसमें ए मैच आपका सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट को ला करके यहां पर सब्जेक्ट बनाएंगे, ए मैच के अनुसार ही यहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो है सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार करते हैं, तो यहाँ पर जो है ये थर्ड पर्सन के रूप में आएगा और सिंगुलर नंबर है तो इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज ए मैच, नॉट आया तो यहीं पर नॉट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद से आ जाएगा तुरंत बीइंग, अब प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है बाई दे का जो है ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, अंत में जो है क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला एग्जांपल है आपका देंगे बी डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन, डब्ल्यू एच टाइप
थोड़ा सा इसमें अंतर होगा, पैसिव वॉइस बनाएंगे, इन क्रियाओं से पहले जो है पहचान एक्टिव का देखेंगे, एक्टिव क्वेश्चन वर्ड्स होगा, उसके बाद से इज एम आर, और यहां पर क्वेश्चन वर्ड्स, जो क्वेश्चन वर्ड्स दिया रहेगा वही क्वेश्चन वर्ड्स प्लस इज एम आर, एग्जाम्पल एक्टिव वाई आर यू वाई आर यू नॉट सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। एक्टिव हमारा एग्जाम्पल है, वाई आर यू नॉट सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, तो पैसिव जब इसका बनाएंगे हू को छोड़ करके बाकी सभी क्वेश्चन वर्ड्स जो है यहीं पर नो लौटे आते हैं पैसिव वॉइस में, वाई है तो वाई यही ले लिए, और ए स्वीट सॉन्ग के अनुसार ही हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यह सिंगुलर नंबर है, यहाँ पर यू के अनुसार प्लूरल नंबर था, ए स्वीट सॉन्ग के अनुसार यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से सब्जेक्ट बनाएंगे, जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना लेंगे, और यह सब्जेक्ट हमारा होगा ए स्वीट, ए स्वीट सॉन्ग, उसके बाद से नॉट आया है तो यहां नॉट लगा देंगे, उसके बाद से बीइंग का प्रयोग होगा, सिंग का जो मेन वर्ब है सिंग, इसका थर्ड फॉर्म सैंग, सैंग संग हो जाएगा, सिंग सैंग संग, थर्ड फॉर्म इसका संग हो जाएगा, अब बाई यू हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखेंगे, हु वाला वाक थोड़ा सा भिन्न होता है, जैसे एग्जांपल अगला होगा एक्टिव हु आर कॉलिंग यू, हु आर कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा है, पैसिव वॉइस थोड़ा सा इसका डिफरेंस होगा, क्योंकि ये हु जो होता है इस प्रकार के वाक्यों में प्रश्न सूचक शब्द ही जो है सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसमें कोई अपना सब्जेक्ट नहीं होता है, यह प्रश्न सूचक शब्द और सब्जेक्ट का दोनों कार्य करता है, यह उधर जा करके बाई ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं होता, इसलिए हु के स्थान पर यहीं पर हम हु को जो है टेबल वन में हमने बनाया कि बाई होम में बदल देते हैं, ये हो जाएगा बाई होम, और यहाँ यू है, यू के अनुसार यहाँ पर आर हो जाएगा, हु By whom are being who are you being caught? एक और इसका नेगेटिव देख लेंगे, Who are you not teaching? Who are not teaching you?
हु आर नॉट टीचिंग यू, तो यू को सब्जेक्ट बनाने बनाएंगे, उसके अनुसार जो हु को बाई होम में बदल देंगे। बाई होम आर यू नॉट बीइंग टॉट, क्वेश्चन मार्क। हु आर नॉट टीचिंग यू, तुम्हें कौन नहीं पढ़ा रहा है, इसका पैसिव होगा बाई होम आर यू नॉट बीइंग टॉट। थैंक्स।